नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें हमारे चैनल सक्षम न्यूज इंडिया की ताजा खबरें। धन्यवाद। प्रधान में 8वां ग्लोबल कोकण फेस्टिवल 2019 का उद्घाटन फीता काटकर संपन्न हुआ। इस अवसर पर रविंद्र चौहान मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दीपक केसकर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, विधायक व भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष सहलाल, विधायक भाई जगताप, विधायक प्रवीण देवकर, कोकण भूमि प्रतिष्ठान चीफ संजय यादराव और किशोर धारिया मौजूद रहे। आपको बता दें कि ग्लोबल कोकण फेस्टिवल में पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिला को डेवलपमेंट पर विशेष बल ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ सभा को संबोधित करते हुए दीपक केसकर ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कई योजनाओं पर काम चला रहा है। बहुत जल्द ही इन योजनाओं का लाभ जनता को होने वाला है। नमस्ते, मैं सचिन कोरडे, निबे मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नासिक से। मैं आपका सबका यहाँ पे ग्लोबल कोकण फेस्टिवल में स्वागत करता हूँ। निबे मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ये नासिक बेस्ड कंपनी है। हम लोग ई साइकिल से, ई रिक्शा और अभी ई कार में भी हमने शुरू किया है। तो ये फेस्टिवल में, ग्लोबल कोकण फेस्टिवल ने हमें गो ग्रीन मोबिलिटी के अंदर हमें मौका दिया है पार्टिसिपेट करने का। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, साइकिल से लेके टू व्हीलर बाइक्स और थ्री व्हीलर लोड पैसेंजर और स्कूल वैन, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे नासिक में ही बनते हैं अंडर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। तो इसका पूरा R&D 3 साल से करके हमने अभी इस साल में लॉन्च किया है। पूरे गवर्नमेंट के अप्रूवल्स इसमें है और अभी हमने ऑल ओवर इंडिया डीलर नेटवर्क एस्टेब्लिश करना शुरू किया है। नहीं, सब शहरों में है। मुंबई में भी हमारा एक ऑफिस है और अभी बहुत जल्द डीलरशिप्स भी शुरू होने वाले हैं। एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, डीलरशिप्स भी होंगे, तो पूरा सर्विस सेटअप, स्टाफ वगैरह सब कुछ नासिक में। पहले ये कॉन्सेप्ट नया है और इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग होने लगा है बहुत बड़े लेवल पे, काफ़ी सारी कंपनीज है। तो हमारा बड़ा सेटअप है नासिक में, काफ़ी बड़ी फैसिलिटी है और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी है और हम लोग सर्विस भी दे पाते हैं, क्योंकि इसी वजह से 3 साल से R&D करने के बाद हमने अभी अप्रूवल्स वगैरह लेके अभी हमने लॉन्च किया है प्रोडक्ट वैसे बेचना नहीं शुरू किया। तो और ये फेस्टिवल में आके अगर, और मंत्री जी ने भी इनॉग्रेशन किया है, तो लोगों को पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे कंपनी है, ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उसका फ़ायदा होगा, एनवायरमेंट भी फ़ायदा होगा और उसका कॉस्टिंग भी बहुत कम रखा है रिसर्च की वजह से। जनरली वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल जो है वो काफ़ी महंगे रहते हैं जो नॉर्मल फ्यूल्स वगैरह है। हाँ, ये 50 से 125 किलोमीटर तक का रेंज का बैटरी ले सकता है कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्या 1.25 लाख से 1.25 लाख तक, क्योंकि बैटरी का अलग रहता है, कैपेसिटी वाइज रहता है, लोड कैपेसिटी अलग रहता है। 5 सीटर to 7 सीटर भी है हमारे पास में, तो डिफरेंट कैटेगरी में। अगर नॉर्मल लेड एसिड बैटरी लिया तो चार्जिंग में 8 घंटा लगता है, तो उसका कॉस्ट कम होता है, वो है 1,25,000। और अगर वही सेम ग्रेड में लिथियम आयन का बैटरी लिया तो 3 घंटे में चार्जिंग हो जाता है और आपको सिर्फ उसका 80,000 रुपीज़ ज़्यादा लगता है, मतलब 2,20,000 तक। लेकिन उसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है और आसान होता है, वो एक निकाल के चार्ज कर सकते हैं घर में भी। पर्यटन है, फिर उद्योग है, फिर फिशिंग है, जो बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी। और दूसरी चीज़ यह है कि ये सब एरिया जो है वो फलों के लिए जाना जाता है। वहाँ पे आम होता है, चीकू होता है, काजू होता है, जैकफ्रूट होता है, तो ये सब जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको आगे चल के डेवलप करना है, उसके लिए मार्केट क्रिएट करना है, प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ करनी है। और जो लोगों ने ये किया है उनके लिए एक मार्केट भी अवेलेबल ये ग्लोबल कोकण के माध्यम से हो जाती है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। कोकण को अगर आप देखेंगे तो मुंबई भी इसका पार्ट है, ठाणे भी इसका पार्ट है, रायगढ़ भी है जो इंडस्ट्रियली बहुत एडवांस्ड है, और इसका पार्ट पालघर भी है जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं और ये सब करते हुए इसका विकास जब होता है तो यहाँ की जो नैसर्गिक संपत्ति है उसको कायम रखते हुए ये विकास होना चाहिए, और यही सूत्र लेके ग्लोबल कोकण काम कर रहा है। तो हम सबको, हमारे तरफ से
शुभकामनाएं देते हैं। ग्लोबल कोकन के माध्यम से गए 8 सालों में कोकन का और कोकन के वहाँ की जो संस्कृति है, संस्कृति का जतन करने का बहुत बड़ा काम किया गया है। आज के इस माध्यम में और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कोकन के 720 किलोमीटर का जो समुद्र किनारा है, उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक जो काम होना चाहिए के लिए, धंधे के लिए आते हैं, उन सभी को उनके ही गांव में, उनके ही जो ज़िले हैं, ज़िले के अंदर उनको रोज़गार की संधि प्राप्त करने के लिए ये बहुत बड़ा एक व्यासपीठ है ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ के संजय यादव राव हो, किशोर धारिया हो, उनकी पूरी की पूरी टीम है, इनके अलावा सुरेश प्रभु जी जो हमारे मंत्री हैं, इन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे प्रकल्प कि जो केंद्र के माध्यम से और राज्य के माध्यम से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का काम बहुत ज़ोर से शुरू हो गया है। ऐसी सेलिब्रेशन और फेस्टिवल इसका उद्देश्य नहीं है, कोंकण के गांव-गांव में लोग फिशरीज, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, अल्फांसो ऐसे प्रोजेक्ट्स करके गांव के बच्चे जो मुंबई में माइग्रेट होते हैं वो वहीं पे रहे और हमारे गांव एक स्वर्ग से सुंदर है, इन गांवों को आर्थिक समृद्ध बनाना ये हमारा मकसद है। और इसलिए माननीय सुरेश प्रभु जी के मार्गदर्शन में यहाँ हमारे मित्र और हमारे कार्यकर्ता के स्वरूप में काम करने वाले रविंद्र जी चौहान हैं या दीपक जी केसर, हम सब मिलके और किशोर भाई धारिया है, हम सब मिलके हमारे कोंकण को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसके लिए ये 4 दिन का फेस्टिवल ना होते हुए एक कंटिन्यूस चलती हुई ये एक